स्मार्ट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब ये है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं बल्कि अपने काम को अलग ढंग से करते हैं जिससे उसका परिणाम बदल जाता है। ये बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी अपने मन में बिठा लेनी चाहिए कि अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो तैयारी का तरीका भी बदलना पड़ेगा। मेहनत का कोई विकल्प तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ टेक्निक्स की मदद से आप अपनी मेहनत को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप यूपीएससी की तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी रैंक होल्डर बनना है तो ऐसे बदलो अपना पढ़ने का मेथड। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से पहले इस एग्जाम की फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। आम धारणा ये है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए 12 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, मगर ये सिर्फ एक धारणा मात्र है। घड़ी देखकर पढ़ाई करने से अच्छा है उतना ही पढ़िए जितना आप पहले से पढ़ते आए हैं। 3 घंटे की पढ़ाई भी किसी के लिए पर्याप्त होती है, तो कोई कोई घंटों तक किताबें से उलझे रहने पर भी उतना ग्रास्प नहीं कर पाते हैं जितना 3 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी ने कर लिया होता है। आप एक रूटीन बनाएं और हर दिन निर्धारित कर लें कि यहाँ मुझे ये चैप्टर आज ही खत्म करना है और इतने नोट्स बनाने हैं, वो काफी है, पर इस रूटीन पर अड़े रहें। आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी की मदद हर क्षेत्र में ली जा रही है और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए देश के बेस्ट कोचिंग संस्थान आज एप्स और वेबसाइट की मदद से क्लासेस ले रहे हैं। यदि आप चाहें तो किसी ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही हर प्रकार की जानकारी के लिए आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। आजकल तो सभी लोग इंटरनेट से ही नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, उनके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, विकिपीडिया की सहायता लेते हैं। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है, हमें भी स्वयं को अपडेटेड रखना चाहिए। इंटरनेट पर खर्च किया गया समय आपके स्टडी आवर्स में भी इंक्लूड होना चाहिए। नोट्स बनाने और अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का सहारा लें। दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशंस में हिस्सा लें। आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप अपने समय का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। अब यूपीएससी का सिलेबस इतना विशाल है कि इसे पूरा कवर करने में बहुत समय लगता है, इसलिए अनावश्यक नोट्स बनाने से बचें और अननेसेसरी टॉपिक्स पर भी समय व्यर्थ ना करें। अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग पढ़ाई के लिए करें। सेल्फ असेसमेंट यूपीएससी की तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई लोग परीक्षा से कुछ दिन पहले से ही मॉक टेस्ट लेना शुरू करते हैं, मगर ये तरीका सही नहीं है। मॉक टेस्ट आपको अपनी गलतियों को समझने का अवसर देते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट के लिए परीक्षा के नजदीक आने का इंतजार मत कीजिए। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा के 3 चरण होते हैं और हर चरण बाकी दोनों चरणों से अलग होता है। कई लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में प्रीलिम्स को अनदेखा कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि वो प्रीलिम्स में ही डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप हर चरण के लिए अपनी रणनीति तैयार करें। कोशिश कीजिए कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपका सिलेबस पूरा हो चुका हो और उसके बाद आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करें। मुख्य परीक्षा के लिए लिखने का लगातार अभ्यास करते रहें। ये पेपर को सीरियसली अप्रोच करें। हर पेपर को सीरियसली अप्रोच करें। इसी तरह अपने आप को साक्षात्कार के लिए भी लगातार तैयार करते रहें। ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेशन जरूर करें। अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नजर बनाए रखें। इंसान को हमेशा दिल की सुननी चाहिए। खुद को स्ट्रेस कभी ना दें। जिंदगी एक ही मिली है, इसे खुलकर जिए। जब मन करे पढ़ाई करें, जब दिल ना करे तो अपना मन पसंदीदा काम करें। इससे आपको पढ़ाई का स्ट्रेस कम होता है और आप हल्का महसूस करते हैं। इसके अलावा अपने एफर्ट्स पर हमेशा भरोसा कीजिए। हर दिन खुद को ये समझाइए कि कल आपने जो किया था वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में सहायक था और आज आप जो करेंगे वो कल से भी बेहतर होगा। वेल, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।
यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।